नमस्ते फल मित्रों, अगर आपको आज मैं रोजाना से ज्यादा खुश दिख रहा हूँ तो उसका कारण है ये फल जिसे आज हम खाने वाले हैं। दोस्तों, इसका नाम है रोज एप्पल और ये इतना खुशबूदार और खुशनुमा फल है कि इसके आसपास होने से ही वातावरण में खुशबू और खुशियाँ फैल जाती हैं। इसको रोज एप्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से आती है बहुत ही प्यारी गुलाबों की खुशबू, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो होली के अंदर गुलाल उपयोग में लिया जाता है वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू इसमें से आती है। इसको तो आप जेब में रख लो तो लोग पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगाया है। देखने में ये अमरूद के जैसा है, हल्का हरा और पीले रंग का है, और कभी कभी ये गुलाब के जैसा हल्का लाल भी होता है। दोस्तों, बेंगलुरु में तो ये आपको आसानी से नवंबर दिसंबर के महीने में सड़कों पर दिख जाएगा, और महाराष्ट्र में मुझे ये महाबलेश्वर में दिखाई दिया। मैंने सुना है कि ये कोलकाता में भी मार्च के महीने में पाया जाता है, और इसे वहाँ पर गुल जामुन या गुलाब जामुन भी कहते हैं। ये अंदर से हॉलो है यानी खोखला है, और इसको हिलाने पर इसके अंदर से आपको एक बीज की आवाज आएगी। चलिए आपको ये पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको आप आसानी से ऐसे तोड़ सकते हैं और अंदर इसके ज्यादातर एक या कभी कभी दो बीज भी निकलते हैं। ये है इसका बीज और अंदर से ये बिल्कुल स्पंज के जैसा है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर भी वही प्यारी गुलाबों वाली खुशबू है। चलिए इसको खाकर देखते हैं। इसको खाते ही मुंह में गुलाबों की खुशबू फैल गई। खाने में ये काफी मीठा है, जूसी है। ऐसा कहते हैं कि इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा होता है, लेकिन ए बी सी छोड़िए, मुझे तो लगता है इसमें विटामिन एच यानी हैप्पीनेस वाला विटामिन बहुत ही ज्यादा है। इसको खाते ही चारों तरफ माहौल में हैप्पीनेस भर जाएगी। अगर ये आपके यहाँ भी पाया जाता है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आपको कहीं पर भी रोज एप्पल दिखाई दे तो इस खुशनुमा खुशबूदार फल को छोड़िएगा बिल्कुल मत, लपक कर खा लीजिएगा। और खाने के बाद जब आप खुशियों से भर जाएं, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए फल मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी प्यारे से फल के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।